नहीं जी, बस आदू रखे मुझे छिलो ना बस, एक आलू छिल के ना फिर बस। अभी मैं बेश इधर मिर्चा वा, हाँ जी मिर्चा धनिया, ये काम चेक कर लें। तो सिर्फ अभी जी हेलमेट मुँह पे पाकम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। चलें जी इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी करते हैं ब्लॉग का आगाज़। छत की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है, अब इस पे रेत डालनी है। रेत डाल के जो है ना इस पे फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रेत डालेंगे, शापर डालेंगे या शापर डाल के रेत डालेंगे, फिर उसके ऊपर जो है ना फिर इंशाल्लाह मार्बल लगाना स्टार्ट कर देंगे। परसों इंशाल्लाह या हाँ जी कल ये मार्बल ख़त्म हो जाएगा हमारा सारा, और परसों इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा। इधर फिलिंग होने लगी है, बादल आए हुए हैं माशाल्लाह, मौसम अच्छा बना हुआ है। मोई सा वो देखे सामने सैगली पे खेल रहे हैं। ये वाला जो मार्बल है ना ये इधर छत पे लगेगा, ये महंगे वाला मार्बल जो है ना ये हमने उस पे लगवाया नीचे वाले फ्लोर पे। ये देखें ये रहा हमारा लॉन। ये वाली फीलिंग समझे होगी, अब उस गैलरी वाली जो है ना वो फीलिंग करनी है। शहर गया था, गजरेला लेके आया हूँ सबके लिए आलू। तो आप लोग ना अब इस गजरेले को जो है ना खा लें। अच्छा जी मुझे गजरेला नहीं इतना पसंद खास, हाँ जी मीठी चीज़ें भैया बास पसंद करते हैं हमारे घर में, मैं कम पसंद करता हूँ। हाँ जी ठंडा हो गया। हाँ जी हाँ जी जबरदस्त, तो खा तो गई देखियो कि तो गुस्सा ही ना हो खाई जाऊं नहीं। अच्छा जी गुस्सा हो अभी हम बेकरी वाले कोई नहीं माफी देंगे, मैं तुम दस दिया वो जो खराब बांडी होती वो नहीं माफ करते। सच्ची खराब आंडे जड़े खराब जड़े आंडे होंगे है ना, और जरा चीजा बनाते हैं उन्होंने जान देंगे है। सच्ची हकीकत गल है, मैनू पता है इस चीज का गुनाह की होना गले सड़े खाई। हाँ जी हूँ गर्मी आ गई हूँ खराब आंडे होने खरबूजा खाना थोड़ा एक कतली दे बस। आ लो लो तोड़ लो, किन्नी हुई है अच्छी जी फीलिंग हो चुकी है इस तरफ से भी सारी छत पे। अभी जो है ना काम स्टार्ट हो गया है, रेत वगैरह डालना स्टार्ट कर दी हुई है, और इसके बाद जो है ना बीस पे शॉपर हम लोग लेके आए हैं और वो डालना है, और उसके बाद जो है ना फिर इस शापर डाल के फिर रेत डालेंगे, फिर उसके बाद जो है ना ऊपर मार्बल लगाना स्टार्ट करेंगे। लेंटर डाल के ना कंक्रीट वो रोड़ी डालते हैं, रोड़ी डालने के बाद जो है ना फिर वो ऊपर मार्बल लगाते हैं। रोड़ी तब डाली डालनी चाहिए अगर इसके ऊपर भी जो है ना मंजिल बनानी है, आपने दो तीन मंजिला घर हो ना तो फिर आप रोड़ी डलवाएं, वरना लेंटर होता है इसका इतना इशू नहीं होता, 5 इंच इसकी मोटाई होती है, तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं है ज़रूरत। देख तो लेंटर ठंडा रहेगा, और दूसरी चीज़ ये जब हम लोग शापर डालेंगे ना ये ऊपर, जब इधर हम लोग कंक्रीट डालते रहे ना इन कनोपियों पे, तो ये चीज़ है तो ये फिर शापर ना फटे, इस वजह से हम लोग ना डलवा रहे हैं। इस मकान की जगह छुड़वाएंगे, बाकी इंशाल्लाह ओके करवाएंगे।
नीचे हूँ नीचे। छापर डाल लिया एक तरफ और आगे इसी तरीके से जो ना सारा छापर डालेंगे ताकि कल को पानी वगैरह भी आए ना तो छत जो ना ख़राब नहीं होती। आज गोभी गोश्त बनने लगा है। मम्मी जी ने गोभी काट के रख ली है। मेथी भी तैयार है, पालक भी तैयार है, धनिया भी तैयार है, लहसुन की कलियाँ जो है ना मम्मी जी वो छिलके उनके उतार रही हैं। गोभी गोश्त बनाने लगे ना भाई अब्बास उधर गए ना मैंने सब्जी लेने कहते मटर लेने गोभी मैं क्या तुम गोभी लवो मटर लेने से गोश्त नहीं सुन लगता मज़ा नहीं आता वो टेस्ट नहीं आता। हाँ जी तो हूँ गोभी गोश्त ही बनाऊंगे। गोभी गोश्त ना जरा गोभी जी ये गोश्त बना पा लो ना ये सोहनी ज़्यादा मज़ा बनती है तो वह मटर जोड़े होंगे ना वो इन्ना मज़ा नहीं करते फिर मटर का टेस्ट ज़्यादा आता फिर गोश्त गोश्त का नहीं रहा। गोभी च अगर कर लोगे ना वो फिर टेस्ट भी आता वा गोश्त का। अभी महवेश इधर मिर्चा ये काम चेक कर ले तो सिर्फ अभी जी हेलमेट मुँह पा लिया करो ये है जी हमारा देसी जुगाड़। आप लोगों को दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की आंखों में भी मिर्चें जाती हैं ना तो पतला सा दुपट्टा लेके ना आंखों पे रख लिया या हेलमेट जो होते हैं ना जो हम बाइक पे लेके बैठते हैं वो अपने। हाँ जी हाँ जी अल्लाह लेते खैर सलाह। अबू जी इधर अनाया को झूले दे रहे हैं अनाया सोई हुई है। आलू भी पा दूँगा। हाँ जी आलू भी एक पा दियो। का टाइम है मिस्त्री भाइयों की तरफ से आया हूँ काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल होने वाला है। भाई अब्बास मैकेनिक के लगे हुए हैं हमारे घर के इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर साहब। यार मैं देख सोच मैनू भी ला के दियो पंप वास्ते नहीं मैं पक्का पक्का उसे फिट करवाना बस ठीक। की चाहिए ਕਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਦੱਸ ਸੂਜੀ ਦੀ ਬਰਫੀ ਸੂਜੀ ਵਫਰੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲਾ ਠੀਕ ਆ ਆੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਜੂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ चलो एक एक कर लियो जिधर थोड़ा दिल में अच्छा लगा वो कर लियो। चार अच्छा तीन हाई हो तो बड़ी है आलो दो आलो तीन जाओ। ये अभी अभी अम्मी ने बर्फी बनाई है सूजी वाली ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपने रेसिपी देखनी है तो अम्मी जी के व्लॉग पे अपलोड है वो वहाँ से आप देख के बना लें। बस आलू रखे मुझे छिलना बस एक आलू छिल के ना फिर बस आ बर्फी बड़ी मजे दी बनाई है आज सही बनी ना। हां जी यही बात दो तीन दिन होए रात दिन जान दी सी छड़ दी ओ हुन ताई कहंदी है मैं मेरी बर्फी साम के रखी ते ओ हुन ताई सिर मुंडा कलेव जा तीन डलियां लिया ते एक मेरी एक हीरा दी ते एक तेरी अच्छा जी साड़ी पर्सनल गल असं दस नहीं सकते अस इस गल तो हंस रहे एवं अम्मी जी दस नहीं असं सकते थोड़ा सारिया चीज़ा तैयार हो गई वो इस जगह मार्बल लगेगा इस जगह की कटाई रह गई है बाकी सारा कुछ फाइनल हो गया। बिजली नहीं थी तो मिस्त्री भाई घर वापस चले गए आज टाइम से।
लहसुन की कलियां और बाकी टमाटर ये वो चीज़ें जो भी पहले ऐड करते हैं ना, मुझे ये नहीं पता क्या चीज़ें हैं, वो सारी डाल दी हुई हैं अम्मी ने। इसमें लहसुन की कलियां, टमाटर और सब्ज़ मिर्च है, सामान उधर रखा हुआ है और बाकी इधर है सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएंगी उसके बाद फिर गोभी डालते हैं। मुझे कोटना ना कुटना लहसुन आज कल आ जाता ना खुशक जे। अच्छा फिर वो हाँ। नरम करके तो फिर ना कोटने ना कर लेना। थोड़ी देर तक साधन तैयार हो जाएगा। आग मैंने आगे काफ़ी जला दी है और फिर खाना खाती हूँ। अच्छा जी मैंने खाना खा लिया, अम्मी जी भी खा रही हैं, भाई अब्बास भी खा रहे हैं और मैंने अनाया पकड़ी हुई थी, अभी पकड़ाई है, अभी रो ही जा रही है जी। हाँ जी हाँ जी, ये हाँ कहती मुझे उठा के बाहर लेके जाए, पूरा रोटी खा लेते, कहती है डोगी मेरे सामने किसी और को होवे तो कहती भी मेनू अम्मी फाड़ ले, जब मैं लाके बैठ जाती हां तो फिर कहती मेरे को और फाड़ ले। चलें जी खाना हमने खा लिया, खाना बड़ा जबरदस्त बना माशाल्लाह से। इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।